भाई मोदी जी तो अल्टीमेट हैं, वो जो भी कुछ करते हैं वो इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। इस प्रोजेक्ट के बाद मोदी जी अमर हो जाएंगे, हर कोई उनकी पूजा कर रहा होगा, भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर बस एक ही नाम होगा, मोदी 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 मोदी। क्योंकि मोदी जी अपने हिंदुस्तान में जो करने जा रहे हैं उसके कारण पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हो गई हैं, हर कोई टकटकी लगाए हमारी ओर देख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो रहा है अपने हिंदुस्तान में, तो सारी बातें जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक रहना होगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं शुभि सिंह मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और मैं तपेन सिंह मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। अभी तक हमने 150 प्लस वीडियो बनाई है, लेकिन जो मजा हमें इस वीडियो को बनाने में आया है वो अभी तक किसी वीडियो में नहीं आया। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, सीना चौड़ा करने की बात है, प्राउड फील करने की बात है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको जानने के बाद आप सिंगापुर और दुबई को भूल जाओगे और ये कभी नहीं कहोगे काश मेरा देश ऐसा होता, काश मेरा देश वैसा होता, क्योंकि हमारे देश में बनने जा रहा है धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग? जी हाँ दोस्तों, धरती का स्वर्ग। गुजरात के अंदर अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर भावनगर के पास राजकोट के पास 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसाई जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, जिसका नाम है धालेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। यहाँ पर है स्मार्ट रोड, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, और यहाँ पर हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं दोस्तों जिनके ऊपर हेलीपैड्स हैं, अफोर्डेबल हाउस, 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके बिहार को चाहिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने एक सिटी के लिए अरेंज कर दी। एक बैरन लैंड को मोदी जी ने एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर 10 लेन हाईवे है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कार्गो और पैसेंजर दोनों के लिए है, और यहाँ पर मेट्रो ट्रेन तो ऐसी बनाई जा रही है जो अहमदाबाद से धालेरा सिर्फ 45 मिनट में पहुँचा देगी। मोदी जी एक विजनरी लीडर हैं और इस बात को उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है। मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसको सुनकर आप हिल जाओगे। ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो रहा होगा तो 10 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हो जाएंगी। मोदी जी के दिमाग की चतुराई तो देखिए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक बंजर जमीन चुनी है। उन्होंने धालेरा में स्थित 22 गांव की जमीन को एक्वायर किया और गांव के किसानों को आश्वासन दिया कि हम आपकी ऊबड़ खाबड़ जमीन को आपको फाइनल प्लॉट के साथ वापस कर देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 2009 से 2014 तक धालेरा स्मार्ट सिटी के मैप पर काम हुआ और उभर कर आया धालेरा स्मार्ट सिटी का एक प्यारा सा नक्शा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया और 2022 तक लगभग पहले फेज का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। आमतौर पर समुद्र के पास जो शहर होते हैं उनमें बारिश के कारण पानी भर जाता है, लेकिन धालेरा में ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि स्मार्ट सिटी डिग फ्री होती हैं, वहाँ बार बार गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। धालेरा में सीवेज का बॉटर नीचे से निकल रहा है, गैस की पाइपलाइन नीचे से निकल रही हैं और सब तरह के ड्रेनेज नीचे से निकल रहे हैं, और उन्होंने इस सिटी को कंट्रोल करने के लिए एक हब बनाया जिसका नाम है ABCD बिल्डिंग, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर ऑफ धालेरा। इस बिल्डिंग से पूरे शहर को सेंसर्स के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, जैसे कि किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो सेंसर्स के द्वारा उसकी कंप्लेन ABCD बिल्डिंग में हो जाएगी और तुरंत ट्रैफिक पुलिस उठाकर उसे ले जाएगी। कहीं पर आग लग गई तो सेंसर्स के द्वारा ABCD बिल्डिंग में पता चल जाएगा और कुछ देर में ही फायर ब्रिगेड आकर उस आग को बुझा देगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी की डेथ हो गई, कहीं पाइपलाइन फट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ABCD बिल्डिंग में पता चल जाएंगी। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है ताकि बड़ी कंपनियां आसानी से आकर अपना काम शुरू कर सकें और वो बिना किसी झिझक के अपना निवेश करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर मोदी जी ने अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए अपना दिमाग लगाया और वर्ल्ड के बेस्ट कंसल्टेंट विप्रो, IBM और सिस्को को अपने साथ लिया और इन तीनों ने मिलकर डिग फ्री वायरलेस सेंसर कनेक्टेड सिस्टम बनाकर तैयार कर दिया, यानी कि उन्होंने फायर स्टेशन, हॉस्पिटल्स, पुलिस, सिक्योरिटी सर्विलेंस, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, स्ट्रॉन्ग फ्लड ड्रेन, इन सब चीजों को एक बिल्डिंग से सेंट्रली कनेक्ट कर दिया। स्मार्ट सिटी दो तरह की होती हैं,
ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और दूसरी ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी। ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी में पहले से बसे हुए शहर को चुना जाता है और फिर उस शहर को स्मार्ट बना दिया जाता है। लेकिन ये पहले से बसे हुए शहर होते हैं, इसलिए वो ठीक से मैनेज नहीं हो पाते, जैसे कि बेंगलुरु, गुड़गांव और फरीदाबाद। लेकिन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए एक खाली ज़मीन को, बंजर जमीन को चुना जाता है और इसमें हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। स्मार्ट सिटी तो इंडिया में बहुत हैं, लेकिन वो ठीक से मैनेज नहीं हैं। जैसे कि बेंगलुरु को पहले सिटी ऑफ लेक बोला जाता था, लेकिन अब वहाँ की सारी नदियाँ सूख चुकी हैं। वहाँ की नदियों में से झाग बन बन कर उड़ते हैं और ये झाग इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि ये किसी इंसान की बॉडी में चले गए तो उसकी मौत भी हो सकती है और इनसे तरह तरह की बीमारियाँ भी फैलती हैं। गुड़गांव तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर माना जाता है, लेकिन धौलेरा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी पर चला गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, पेड़ तो इतने ज़्यादा लगा दिए कि आगे कुछ तकलीफ ही ना हो और डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर दिया। आपने दिल्ली, गाजियाबाद जैसे शहरों में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कूड़े कचड़े के ढेर लगा दिए जाते हैं और इनसे भी हवा और पानी पॉल्यूटेड होते हैं और कई शहरों में इन्हें जला भी दिया जाता है, लेकिन उससे और भी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन धौलेरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक का यूज़ किया, यानी इन्होंने कूड़े कचरे से एनर्जी और खाद को प्रोड्यूस किया। धौलेरा को 6 टाउन में डिवाइड किया गया है, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6। 920 स्क्वायर किलोमीटर में से 422 स्क्वायर किलोमीटर में पूरे शहर का डेवलपमेंट प्लान है और बाकी के हिस्से में कुछ भी डेवलपमेंट प्लान नहीं है। अब हम इस मैप को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो आपको स्काई ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हैं। इसने 37% एरिया कवर कर रखा है। इसमें गवर्नमेंट की कुछ भी डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं है। इसमें 5000 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। अब आप जो डार्क ब्लू से थोड़ा सा डार्क कलर देख रहे हैं जगह जगह पर, उसमें रिवर्स कैनाल्स और लेक बनाए जा रहे हैं और जो आप ये 7 किलोमीटर की रिवर देख रहे हैं वो बनकर तैयार हो चुकी है और कुछ लेक्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं और जो बहुत पुराने लेक्स और रिवर्स थे उनको मॉडिफाई किया जा रहा है। अब आप जो ये डार्क ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं, इसे सिटी सेंटर जोन बोलते हैं। इसमें आपको मार्केट, स्मॉल और थिएटर्स देखने को मिलेंगे। इसने 1% एरिया कवर कर रखा है और जो आप ये येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं, इसे रेजिडेंशियल जोन बोलते हैं। इसमें आप अपना घर बना सकते हैं। इसमें बंगलो, विलास और हाउसेस देखने को मिलेंगे। इसने 10.5% एरिया कवर कर रखा है। आप जो ये पिंक कलर के पार्ट देख रहे हैं, इन्हें नॉलेज आईटी जोन बोलते हैं। इसने 1% एरिया कवर कर रखा है। इसमें आपको कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। और आप जो ये ऑरेंज पार्ट देख रहे हैं, इसे हाई एक्सेस कॉरिडोर बोलते हैं। इसने 3% एरिया कवर कर रखा है। इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी जिसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज देखने को मिलेंगे। और जो ये पर्पल कलर का एरिया है, इसे इंडस्ट्रियल जोन बोलते हैं। इसने 12% एरिया कवर कर रखा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी और अभी तक यहाँ पर क्यूबिक, वेदांता, दावत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा केमिकल्स, रिन्यू पावर, टोरेंट पावर, क्रिपल, अवाडा और पॉलीकैप जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं। और आप ये ग्रीन कलर का जोन देख रहे हैं, इसे एग्रीकल्चर जोन बोलते हैं। इसने 18% एरिया कवर कर रखा है। इसमें ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो किए जाएंगे और फार्म हाउस बनाए जाएंगे। अज्ञस्य धान्यस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अगर आपको धौलेरा के प्रोजेक्ट पर या फिर मोदी जी के सपने पर जरा सा भी डाउट है तो धौलेरा को विजिट करने कम से कम एक बार जरूर आइए। अगर आपने धौलेरा को विजिट नहीं किया या फिर किसी संशय में रहे तो संशय आत्मा का क्या होता है वो आप भगवत गीता के इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने